आज ही मेरे पास एक मैया एक बच्चे को लेकर आई। बोली महाराज जी ये खूब अच्छा बोलता था, बोलते बोलते अपने आप चुप हो गया, अब कुछ भी नहीं बोलता। अब बताओ इसका ऐसा कितने केस आपने देखे होंगे, आदमी बोलता है फिर बोलता बोलता नहीं बोलता, एक शब्द बोलने को तरस जाता है, हाँ या ना। तो ये जो तुम्हारी वाणी है ये हमारे तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है, ये तो भगवान बुला रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, आप बुला रहे हैं, ईश्वर बुला रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, वरना तुम्हारी हिम्मत क्या कि तुम एक शब्द बोल लो। कितने लोग हैं जो एक एक शब्द को बोलने के लिए तड़प रहे हैं, गूंगे हैं, गूंगे नहीं बोल पा रहे। कितने लोग हैं जो एक शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं, सुनने के लिए। इसलिए ये कोई मेरे घर की खेती थोड़ी है, कोई मेरे बाप का थोड़ी है कि मेरे ये सब मेरा है, मेरा नहीं है। ये शरीर भी ईश्वर का दिया है, इसलिए आपके पास जो है उसे अपने बाप की बफौती ना मान लेना, जो है वो मेरे बिहारी जी का दिया हुआ है, इसलिए जो उन्होंने दिया तो उनकी सेवा में लगे। मैं अपने आप को मालिक ना मान लूं, मैं तो तब भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूं, और क्योंकि भिखारी इसलिए क्योंकि दाता भगवान, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, हम भिखारी ही हैं।